चार लवकेश और शिवानी तीनों के साथ अनफेयर गेम हुआ, कोई ऐसा न जीते जिसके लिए बहुत बार कुकलू को बिग बॉस ने बनाया हो। नीजी को फेवर हो रहा है या नीजी को बिग बॉस का विनर बनाया जा सकता है, अगर नीजी को बिग बॉस का विनर बनाया जा सकता है। टेंशन में दिख रहा है बहुत ही, आ जाओ दीपक भाई। इसकी बीवी है क्या, अच्छी हो सर थोड़ा आगे आओ ना, थोड़ा आगे। ए चल तिकडे चल कपिल, थाम लेते आपल्यासाठी। यस सर, सर क्या बात है, कैसे हो सर? एक साथ आइए ना मैम, फैमिली के साथ आइए। आए ना साथ में, एक साथ में फोटो करते हैं सर। यहाँ पे सर यहाँ मॉल है सर, अंदर सर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए। बोल ना, बोल क्या है, कब है फिनाले? बोल ना, बोल नहीं क्या, दो तारीख को फिनाले, क्या बोलना चाहिए सर? 2 तारीख को फिनाले, क्या बोलना चाहोगे? आ रहे हो सर फिनाले में? आगे आओ, ऑडियो आएगा तुम्हारा। हाँ यस यस, रुको, फिनाले के लिए आया हूँ। आप मुझे पता है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। फिनाले के लिए आया हूँ, फिनाले देखने आया हूँ, फिनाले में शामिल भी होऊंगा। मैंने आज अपने यूट्यूब प्रसारण में सुबह कहा था कि मुझे लगता है जो विशाल, लवकेश और शिवानी इन तीनों के साथ जो गेम हुआ वो फेयर नहीं था। अगर उन तीनों में से कोई फाइनल में पहुंचता तो वोट के हिसाब से तीनों में से एक जरूर जीतता, लेकिन जो भी फाइनल में है मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मैं बस यही चाहता हूं जो भी जीते वो इस बात के लिए काबिल हो कि बिग बॉस की ट्रॉफी को कैरी कर सके। मैंने ये बात इसलिए कही लवकेश, विशाल और शिवानी की, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था मलिक फैमिली के बारे में, हर इंसान एक वोट लेकर आया था लेकिन मलिक फैमिली 3 वोट लेकर आई थी और उनके 2 वोट जो है आखिरी हफ्ते तक खेलते रहे, तो ये बाकियों के साथ अनफेयर था मुझे ये लगता है। क्या लगता है सर, कौन जीतेगा? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं। आपका सपोर्ट किसको रहेगा? मेरा सपोर्ट हर जीतने वाले को है, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैंने सबसे बड़ी बात जो कही, मुझे लगा विशाल, लवकेश और शिवानी तीनों के साथ अनफेयर गेम हुआ और कम से कम कोई ऐसा न जीते जिसके लिए बहुत बार कुकलू को बिग बॉस ने बनाया हो। मैंने कई सारे सोशल वेबसाइट पर पढ़ा कि नीजी को फेवर हो रहा है या नीजी को बिग बॉस का विनर बनाया जा सकता है, तो मेरे रिजर्वेशन हो गए अगर नीजी को बिग बॉस का विनर बनाया जाता है तो लगता है नीजी जीतेगा? मुझे नहीं पता, मैं तो इस सपोर्ट दे रहा जो सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझसे लगता है बाकी चारों से और ज़्यादा काबिल हैं। आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं नीजी को? मैंने कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने पहले से ही कहा कि ऐसे इंसान को बिग बॉस का टाइटल नहीं मिलना चाहिए जिसको लेकर और जिसके बारे में लेकर कई तरह की बातें कही गई। बिग बॉस ने, आपको पता है जब लोग सो जाते थे तो बिग बॉस का नाम बजता था, कुकड़ू 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 की आवाज़ आती थी, तो सबसे ज़्यादा नीजी के लिए बजा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को बिल्कुल बिग बॉस का टाइटल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, एक बार फैमिली के साथ आइए ना सर। थोड़ा यहाँ पे, यहाँ पे क्लोज हो जाए ना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
हाँ जी।